रुद्रप्रयाग में जिसकी मनाही है, जिस पर पाबंदी है, जिस पर बहुतों को आपत्ति है, उसे खपाने का प्रयास हुआ। उन्होंने सोचा होगा खेल कर देंगे, पुलिस की आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन जिसे इग्नोर किया था उन्होंने ही दबोच लिया। शराब तस्करी का ये तरीका देख पुलिस के भी उड़े होश। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में खपाने का था प्लान। भिंडी ले लो, लौकी ले लो, सब्जी ले लो, अगर कोई कुछ ऐसा कहेगा तो उनसे जाहिर सी बात है सब्जियां खरीदेंगे ही, नहीं भी खरीदेंगे तो एक बार उनके और देखकर चल पड़ेंगे। लेकिन वही शख्स अचानक आपके पास कहने लगे लो भैया शराब ले लो, तो क्या कहेंगे? चौंकेंगे, देखते रह जाएंगे। ये बस एक कॉमन सी बात कह रहे हैं, सब्जी वाले ने अब तक ऐसा कहा नहीं है, उम्मीद है ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन बात इससे आगे की है, अगर वही सब्जी जो सब्जी वाले तक पहुंचाता है उसको पहुंचाने वाले ही ऐसे गोरख धंधे में खुद को शामिल कर ले तो क्या कहेंगे? क्या किसी को शक होगा? अब ये वीडियो देखिए, आलू और प्याज के कट्टे में जो निकला वो हैरान करने वाला है, और उससे भी ज्यादा जिस जगह के लिए इसे लाया जा रहा था वो जगह महादेव का धाम है, केदारनाथ है। वीडियो में देख सकते हैं एक एक कर बोतलें निकाली जा रही हैं, लोग देखते जा रहे हैं, हैरान होते जा रहे हैं, सोच में पड़ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। लगता है उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और पुलिस का खौफ शराब तस्करों के भीतर बिल्कुल नहीं रहा। यही वजह है कि मैदानी इलाकों से शराब तस्करी का बढ़ता ग्राफ अब पहाड़ों में बढ़ने लगा है। लेकिन गजब तो तब है जब चारधाम यात्रा में शराब की तस्करी की जा रही हो। हालांकि रुद्रप्रयाग में शहर के स्थानीय व्यापारियों ने माफियाओं के शराब तस्करी की योजना को विफल कर दिया और हजारों की शराब पकड़ ली। इसे बेहद गुपचुप तरीके से गौरीकुंड पहुंचाने का प्रयास था। गौरीकुंड केदारनाथ धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में स्थानीय व्यापारियों ने आलू और प्याज के कट्टों में भारी मात्रा में शराब पकड़ी। यह शराब गौरीकुंड पहुंचाई जा रही थी। सब्जी के कट्टे रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे किनारे रखे हुए थे। सब्जी का ट्रक आने पर इन्हें गौरीकुंड पहुंचाया जाना था, लेकिन इससे पहले स्थानीय व्यापारियों को इसकी भनक लग गई। स्थानीय लोगों ने कट्टे खोले तो सब्जी के बीच शराब की 45 बोतल छिपाकर तस्करी की जा रही थी। व्यापारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब को कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक आलू और प्याज के कट्टे रुद्रप्रयाग में भरे गए थे, यानी साफ है कि शराब भी रुद्रप्रयाग में किसी स्थानीय तस्कर द्वारा रखी गई थी। व्यापारियों का कहना है कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव में इस साल शराब तस्करी के मामले कहीं ज्यादा आए। शहर में जो शराब 700 से 1000 रुपए की है, वही शराब केदारनाथ यात्रा पड़ाव में 3 से 4000 में बेची जा रही है। यानी शराब 135,000 से 145,000 रुपए के बीच में बेची जानी थी।